गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग जा रहे हैं अभी गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए। देख सकते हैं ये ऋषभ भाई और हम साथ में भी जा रहे हैं धनसार। चलिए आप लोग को आगे ब्लॉग में दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग का बस्ती का स्कूल है, यहीं पर है। अभी हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये हरि मंदिर है हम लोग का घर के पास तरफ का। अरे ये कॉलेज है जो अभी बंद है। हम लोग का घर के पास में देख लीजिए टावर है, एकदम नेटवर्क फुल रहता है हमेशा। सुबह का व्यू देख सकते हैं किस तरह है, देख सकते हैं व्यू। आगे देखिए पापा के परी लोग जा रही है, देख सकते हैं पापा के परी लोग को। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बसेरिया फाटक, यहाँ पार कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप लोग यह फाटक, ये देखिए रेलवे लाइन है पास में यहीं पे, देख सकते हैं। ऋषभ भाई बहुत गाड़ी कुदा रहा है, सुबह सुबह देख सकते हैं कैमरा किस टाइप से आ रहा है। पापा परी लोग पीछे रह गई है, आ रही है। इधर हम लोग शाम को बैठने के लिए आते हैं, देख सकते हैं यही सब में बैठते हैं हम लोग। अच्छा लगता है यहाँ पे शाम को बैठने में, जगह ठीक है, शाम को और अच्छा व्यू रहता है यहाँ पे। ये देखिए ये है रेलवे कॉलोनी। सुबह सुबह हम लोग को बहुत ही ठंड लग रहा है, एकदम सुबह सुबह जा रहे हैं हम लोग गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए। और ये मंदिर यहाँ पे छोटा सा। हम लोग पहुँच चुके हैं गोदर, और ये देखिए गोदर का काली मंदिर, देख सकते हैं। अभी हम लोग मोड़ में पहुँच गए हैं। कल यहाँ पे बहुत ही भीड़ था, मेला लगा हुआ था यहाँ पे, आगे तरफ मेला था। चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। अभी हम लोग मेन रोड एंटर कर चुके हैं और जा रहे हैं अभी हम लोग। चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, सपोर्ट और प्यार थोड़ा दिखाइए ताकि हम लोग ब्लॉग रेगुलर बना सकें। ऋषभ भाई आज गाड़ी को उड़ा देगा, आज फाड़ते हुए जा रहा पूरा स्पीड में एकदम। सुबह सुबह ऐसे ही ठंड लग रहा है और ऋषभ भाई स्पीड गाड़ी चला रहा है, उसका आँख से लोर उर गिरने लगा है। देखिए यही है धनसार रोड, यहाँ से हम लोग घुसेंगे अभी धनसार के लिए। धनसार में ही गाड़ी सर्विस होता है। देखिए वहाँ पर कोयला वाला जा रहा है, किस तरह लोड लिया। सुबह सुबह ही कौन कौन गलत आदमी मिल जाता है गाइस, पंगा हो गया सुबह सुबह हम लोग का वो कोयला वाला के चक्कर में। अब भाई जो कितना दूर से गया बाबा। चलिए देख सकते हैं, चलिए आगे आप लोग, आप शोरूम में मिलते हैं। अब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम के पास। चलिए देखिए थोड़ा सा आगे और है शोरूम। देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं अभी, बस यहीं पे होंडा का शोरूम है, देख सकते हैं पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम है और पास में ही इधर होंडा का शोरूम है। यहाँ पर बहुत सारा शोरूम है। ये देखिए रॉयल एनफील्ड, यहाँ पर उसका भी शोरूम है, देख सकते हैं। इसी के अंदर अभी हम लोग जाएंगे गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए, लिखा हुआ है वहाँ पे सर्विस वेलकम यू। इधर साइड में देखिए होंडा सर्विस लिखा हुआ है, शोरूम का नाम है गोपालका होंडा, देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस अभी हम लोग का गाड़ी अभी सर्विसिंग के लिए रेडी है, सारा काम हो रहा है। देख सकते हैं इधर एयर फिल्टर वगैरह, ये बैटरी, अभी गाड़ी का काम हो रहा है सारा। अभी देखिए कितना टाइम लगता है अभी तो पता नहीं, देख सकते हैं। देख सकते हैं गाड़ी का यहाँ पे काम हो रहा है, चेन ग्रीसिंग अभी हो रहा है। देख सकते हैं इसका सामान जब खुला हुआ तो वह टाइट हो रहा है, मोबिल वगैरह इसका निकल गया है सारा, फिर सभी डालेगा। अभी हम लोग गाइस सर्विसिंग करा के निकल चुके हैं,
अब हम लोग जा रहे हैं, 12 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है। सुबह से 7 बजे से वहीं पे थे, अब जा रहे हैं हम लोग, नाश्ता वगैरह करेंगे उसके बाद घर जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बने रहिए। सुबह से तो ऐसे ही है गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं उसके बाद। नाश्ता वगैरह अब हम लोग कर चुके हैं गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग का टायर थोड़ा फट गया है, कंप्लेन किए हैं, अब जा रहे हैं, शाम को जाएंगे चेंज करवाने के लिए 3 बजे गोविंदपुर। ठीक है, अब ब्लॉग को एंड करते हैं।